ये वहाँ पे नेकेड वाला लुक मिलता है, ये फुली फेयर्ड, और ये आपका हो गया एडवेंचर कैटेगरी या फिर कह सकते हैं टूरिंग बाइक। SF250 में मिल जाता है रेडियल टायर, बट अगेन ये चीज़ है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे रेडियल की नीड रहती तो ही यहाँ पे रेडियल आएगा। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है सुजुकी वी स्टॉर्म SX250 के बारे में, बाइक के बारे में सारी डिटेल आज आप लोगों को इस वीडियो से मिल जाने वाली है। अगर बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो बीटा वी स्टॉर्म या फिर इस कैटेगरी में इस प्राइस पॉइंट पर कोई भी बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो, उनको वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। सारे डाउट वी स्टॉर्म से रिलेटेड तो आज क्लियर हो ही जाने वाले हैं, सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे, लेटेस्ट ऑन रोड प्राइसिंग, कलर ऑप्शंस, ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, और क्यों ये बाइक आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन या फिर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है, वो सब कुछ भी। और अभी के लिए वी स्टॉर्म SX250 तो ये रहा। यहाँ पे अपने पास SF250 जिक्सर भी अवेलेबल है, जिसमें कि सेम वही इंजन अवेलेबल रहता है जो कि आपको वी स्टॉर्म SX में भी मिलता है। सो इस सेम इंजन के साथ ना यहाँ पे कट कवर होती है तीन कैटेगरीज। वी स्टॉर्म SX250 आ जाता है जो कि एक मोर ऑफ एडवेंचर बाइक हो जाता है इसके लुक्स की वजह से और इस नाम की वजह से भी, क्योंकि ये नाम ना एक कंप्लीट लेगेसी चला आ रहा है सुजुकी लाइनअप में। ये रहा अपने पास 650 वाला वी स्टॉर्म भी, 800D भी आता है जो कि अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है इंडियन मार्केट में, उसी तरह से SX250 आ जाता है इस वी स्टॉर्म लाइनअप का स्टार्टिंग ऑप्शन। फिर आ जाता है एक आपका जो फुली फेयर्ड SF250 सेम इंजन, और एक आपको जिक्सर जो कि नेकेड वाला रहता है ना जिक्सर 250 का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सेम तीन कैटेगरी कवर हो जाती है, वहाँ पे नेकेड वाला लुक मिलता है, ये फुली फेयर्ड, और ये आपका हो गया एडवेंचर कैटेगरी या फिर कह सकते हैं टूरिंग बाइक। काफ़ी ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन ये बाइक आपके लिए हो ही जाती है, सुजुकी का सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा है ही, और बीइंग अ एडवेंचर कैटेगरी बाइक इस बाइक की काफ़ी कुछ आप लोगों को ना आफ्टर मार्केट एसेसरीज भी मिल जाती है, जैसे कि आपके पैनियर्स हुआ, टॉप बॉक्स हुआ, एक जो प्रोटेक्शन के लिए गार्ड वगैरह रहते हैं वो सब कुछ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाने वाला है। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो टोटल तीन कलर ऑप्शन वी स्टॉर्म SX250 में अवेलेबल रहेगा। अभी के लिए ब्लैक, ये रहा ब्लैक येलो, एक ब्लैक येलो ये बाइक भी है। सेकंड कलर ऑप्शन हो जाता है एक ऑरेंज वाला, और एक रहता है ऑल ब्लैक जिसपे कि रेड स्टिकरिंग का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, येलो के साथ आएगा ब्लू और थोड़ा बहुत सिल्वर वाला टच। इस टाइप से टोटल तीन कलर ऑप्शन है, वेरियंट तीन ये आप लोगों को मिल ही चुके हैं, वेरियंट कह लो कैटेगरी कह लो। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस यहाँ पे सेम है जो कि वी स्टॉर्म SX250 का भी और जिक्सर SX250 का भी, दोनों बाइक का प्राइस आपका प्रॉपरली सेम ही रहेगा, 260,000। 2.60 ऑन रोड जयपुर वी स्टॉर्म SX250 विदाउट एनी एसेसरीज और विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी आपको ये बाइक कॉस्ट करने वाली है। सो अब अपने पास कलर ऑप्शन हो चुके हैं, वेरिएंट आप लोगों को बता दिए, प्लस कलर ऑप्शन, वेरिएंट और प्राइसिंग, ये तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। देख लेते हैं बाइक क्या कुछ ऑफर करती है 260,000 रुपये देने के बाद। इस टाइप से एक क्लियर में वाइज़र आ जाएगा जो कि गाड़ी के साथ आपको मिलेगा, काफ़ी सारे ऑप्शन इसके भी आफ्टर मार्केट में मिल जाएंगे। सुजुकी से भी काफ़ी कुछ आप लोग परचेस कर सकते हो, जैसे कि राइडिंग जैकेट्स हुए, हेलमेट्स हुए, एक गार्ड वगैरह हुआ वो सब भी लगवा सकते हो, नकल गार्ड गाड़ी के साथ ही आपको मिलेगा। इस टाइप से रियर व्यू मिरर है, जैसे कि सेम आपको जिक्सर 250 पे भी मिलेगा, बर्गमैन पे भी यही वाला रियर व्यू मिरर आपको ये रहा, सेम यही सेटअप बर्गमैन पे भी रहता है। लाइटिंग की बात करते हैं तो लाइटिंग यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन में मिलेगा LED और हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन में ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप भी है बट उतना ज़्यादा ये नहीं है। नंबर प्लेट होल्डर आपका जाता है फ्रंट हेड पे, वाइज़र अपना हो ही चुका है, काफ़ी अच्छा एरिया ना वाइज़र का यहाँ पे, इसको स्मूक भी करवा सकते हो, उसके साइज़ भी आप थोड़ा सा बड़ा आफ्टर मार्केट में रिप्लेस करवा सकते हो। इंडिकेटर, नकल गार्ड दोनों ही साइड ये दिखने को मिलेगा, हालाँकि ये फाइबर में है बट बिल्ड क्वालिटी काफ़ी इसकी सॉलिड फील हो रही है। हेडलैम्प LED में है कि बीक वाला पैटर्न मिल जाता है जो कि एक एडवेंचर कैटेगरी को थोड़ा सा रिजेंबलेंस देने के लिए। वी स्टॉर्म SX की प्रॉपर मार्किंग यहाँ है, यहाँ पे मैट ब्लैक का भी यूज़ है। पेंट फिनिश क्वालिटी सुजुकी की टॉप नॉच रहती है, फिर चाहे वो स्कूटीज़ हो, बर्गमैन हो, कोई भी बाइक हो, चाहे वो जिक्सर हो, वी स्टॉर्म हो, सब में काफ़ी अच्छा, एक तो प्लास्टिक क्वालिटी भी और पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इस टाइप से कुछ ये साइड प्रोफाइल बाइक का बनेगा, साइड प्रोफाइल से स्टार्ट कर लेते हैं ना जी स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो सीट हाइट यहाँ पे मिलती है टोटल 835 mm का, 835 mm का टोटल सीट हाइट है क्योंकि एडवेंचर कैटेगरी बाइक है। सीट की कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है, प्लस जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा है ना वो है इस बाइक के सीट का साइज़, सीट का साइज़ काफ़ी अच्छा है, 835 mm सीट का हाइट है। आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 12 लीटर, 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। अब एक एडवेंचर कैटेगरी की बाइक के अकॉर्डिंग फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है मेरे अकॉर्डिंग, ये मिनिमम 15 तो होना ही चाहिए था,
वही वाली बात है, थोड़ा सा उसको आप नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे अपना फ्यूल गैप की ओल पे कवरिंग, सुजुकी का लोगो, E20 का लोगो, सुजुकी SX250 SOSC, सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम, SEP सुजुकी इको परफॉर्मेंस, V-Strom SX250, ये मेजर रही। इसी पार्ट पे स्टिकरिंग देखने को मिलेगी, एक छोटा पार्ट यहाँ भी आ जाता है, और रियर फेयरिंग भी नहीं, ये येलो में है जो कि काफ़ी लुक को इनहेंस कर देता है। सीट हाइट हो चुका है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं जो कि इस कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो 205 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस है। ये मेटल में एक बैश प्लेट कह सकते हैं और या फिर एक गार्ड भी कह सकते हैं, जहाँ भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अगर हार्ड कोर टूरिंग करनी है, ऑफ रोडिंग भी करनी है ना, तो यहाँ पे आप लोग थोड़े बड़े साइज़ का बैश प्लेट भी लगवा सकते हो। बाकी ये भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे है बाइक का रेडिएटर जो कि अपोजिट साइड से अपन देखेंगे, उस पर भी गार्ड मिल जाता है। तो 205 mm का टोटल आपका ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। बाइक का टोटल वेट है 167 kg बाइक का टोटल वेट रहेगा। व्हील बेस रह गया, तो रियर टायर का सेंटर और फ्रंट टायर का सेंटर व्हील बेस यहाँ पे मिलता है अपने को 1440 mm का। 1440 mm का टोटल आपका व्हील बेस यहाँ पे रहेगा। स्टेप से फ्रंट मैट गाड़ा जाता है। फ्रंट कवर कर लेते हैं मैट ब्लैक, सभी कलर ऑप्शन में। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, सेम आपका वही वाला पार्ट है जो कि SF250 पे भी, Zixxer 250 पे भी मिलता है। काफ़ी अच्छा थिकनेस है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ट्रेवल भी काफ़ी अच्छा ही सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा। टायर की बात करते हैं फ्रंट की, तो ट्यूबलेस टायर है अलॉयज के साथ, 190/19 ये रेडियल टायर अभी तक का, फ्रंट का तो नहीं है, अभी रियर वाला अपन लोग देख लेते हैं। 100 सेक्शन का फ्रंट, ये एक ब्लॉक पैटर्न टाइप टायर यहाँ पे मिल जाता है जो कि कह सकते हैं ऑफ रोडिंग या फिर टूरिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। बाइब्रिप ब्रेकिंग है, ड्यूल चैनल ABS के साथ। फ्रंट डिस्क का साइज़ ये लगभग 300 mm का यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाता है। MRF का ये टायर है। अलॉयज देख लेते हैं, सभी कलर ऑप्शन में। अलॉयज आपका रहेगा ब्लैकआउट टायर का पैटर्न, और ये रहा आपका अलॉयज वाला शेप, मल्टीपल स्पोक, और ये आपका ट्यूबलेस टायर। रेडिएटर का साइज़ ये रहा, और उनका बजर भी है, इस पर भी गार्ड यहाँ पे अपने को मिल जाता है। अभी क्लच लीवर का एक थोड़ा सा प्ले भी अपन लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं रियर टायर सेटअप की और ब्रेकिंग की, तो रियर में भी यहाँ पे आपको ब्लैक बटन टाइप ही ये टायर देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा है ना, एक काफ़ी डीप ग्रूव्स यहाँ पे मिल जाएंगे। 140/70/17 ये आपका रेडियल टायर यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे SF250 में मिल जाता है रेडियल टायर। बट अगेन ये चीज़ है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे रेडियल की नीड रहती तो ही यहाँ पे रेडियल आएगा। 140/70/17 ये आपका रियर टायर है। रियर डिस्क काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका ना, 240 mm के अराउंड ये मुझे फील हो रहा है, 240 mm के अराउंड। बाइब्री ब्रेकिंग, और ये आपका प्रॉपर इसका लुक आएगा। ड्यूल चैनल ABS है ही। एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से है, एग्जॉस्ट सेम SF250 पे भी रहता है और Zixxer पे भी रहता है, बट वहाँ पे आ जाता है ये क्रोम में, यहाँ पे आ जाएगा ये पियानो ब्लैक, और एक ये मेटल वाला पार्ट टायर अगर एक पार्ट है। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ, प्लस यहाँ पे आ जाता है आपका फुट पैक जो कि एक ये रबर कवरिंग के साथ आएगा, और इसके बिना ग्रूव्स काफ़ी डीप है जिससे कि आपका फुट स्लिप ना हो। ब्रेक लीवर बैरियर के साथ, रियर पे कोई भी रबर ग्रिप अवेलेबल नहीं है। बात कर लेते हैं मेन चीज़ की जो कि जी इंजन, बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो 249 cc का ऑयल कूल्ड SOSC 4-valve इंजन यहाँ पे मिल जाएगा। 26.5 PS का पीक पावर है और 22.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क है। 6-speed गियर बॉक्स, प्लस बाइक का टोटल वेट 167 kg। या अपने इंजन स्पेसिफिकेशंस भी डन। एक ब्राउन वाला टोन यहाँ पे आ जाता है इस बाइक में, जो एक सारी चीज़ें अच्छी है, बट जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए आने वाले अपडेट के साथ ना, तो और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। रियर लुक ये रहा। यहाँ पे टेल लैंप हेलोजन कंप्लीट हेलोजन, टेल डाइडिंग भी काफ़ी इनफ साइज़ है, और यहाँ पे एक आपको रैक मिल जाता है जिसपे कि आप लोग अपना लगेज भी टाई कर सकते हो। टॉप बॉक्स लगाने के लिए जो प्लेट आता है वो भी यहाँ पे टाई आप कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ हो जाती है। इस टाइप से साड़ी गार्ड जो कि रिमूव कर सकते हो। स्पॉकेट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। इस टाइप से कुछ आपका गियर लीवर, सिंगल हेड, सेम फुट पैक, साइड स्टैंड ही है, सेंटर स्टैंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं है, और ये रहा इंजन का लेआउट अपना अपोजिट साइड से। आप आ जाते हैं स्विचेस सेटअप पे, तो इस वाली बाइक में बैटरी कनेक्टेड नहीं है, MID अपन लोग देखेंगे उस वाले बाइक पे। इस टाइप से कुछ एक ही का सेटअप है, रेगुलर पैटर्न, इग्निशन भी आपका रेगुलर जगह पे ही है, अच्छी चीज़ कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आ जाता है आपका USB चार्जर पोर्ट, काफ़ी अच्छा है ये भी, इल्यूमिनेशन के साथ, और कवरिंग भी है, तो काफ़ी एक ऑन द गो आप फ़ोन वगैरह चार्ज यहाँ से कर सकते हो। क्लच का फील थोड़ा बहुत, एक इतना ज़्यादा लाइट भी नहीं है और ना ही ये ज़्यादा हार्ड है, तो इस टाइप से क्लच का फील प्रॉपर रहेगा। बार एंड ये रहे,
ग्लॉसी ब्लैक में ही स्विचेस, एक ये पास वाला स्विच है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, सिंगल बजर में ही ऑन रहेगा, हैंडल बार कंप्लीट ये आपका पियानो ब्लैक में, राइट साइड पे किल स्विच है और आपका स्टार्टर रहता है इस टाइप से, ये आपका यहाँ पे ग्रिप कवर थ्रॉटल रहने वाला है। और MID अभी अपन लोग देखते हैं, वैसे MID यहाँ पर भी सेम ही रहता है, तो इसी में बाइक मैंने एक बार देख लेते हैं। तो इस टाइप से कुछ MID का स्टार्टअप यहाँ पर रहेगा, BT कनेक्टिविटी अपने को यहाँ पर मिलेगा ही, चाहे वो SF250 हो, जिक्सर हो या फिर V-Strom 250 हो, यहाँ पे क्या कुछ आ जाता है, तो टर्न बटन नेविगेशन शो होगा PT कनेक्ट होने के बाद, प्लस सर्विस रिमाइंडर भी मिल जाता है, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, आपका टर्न बटन नेविगेशन, फ़ोन की बैटरी लेवल भी यहाँ पे आएगा और फ़ोन का नेटवर्क लेवल भी यहाँ पे शो होगा। ये रहा क्लॉक, ये जो ब्लिंक हो रहा है ये अपना फ्यूल गेज, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, एवरेज B जो कि ट्रिप B के अकॉर्डिंग अभी शो हो रहा है, दोनों ही ट्रिप मीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग एवरेज आएगा। चेंज करते हैं तो ये आगे पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग बैटरी वोल्टेज, ऑडोमीटर, ट्रिप ए के अकॉर्डिंग एवरेज, ट्रिप बी के अकॉर्डिंग एवरेज, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है MID में। बाकी सारी वार्निंग लाइट्स दोनों ही साइड में ही अपना रहेगा। यहाँ पे ये क्लिप ऑन हैंडल बार है, 260,000। अब राइड रिव्यू बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है, V-Strom SX250 का भी और जिक्सर SF250 का भी, जो कि कल ही मैं शूट करने वाला हूँ। सो ये अपना वीडियो डन, ये बंद कर देते हैं भैया, नहीं तो बैटरी ड्रेन हो जानी है। सो ये यहाँ भी की आपका सेम ही रहेगा, सो वीडियो हो जाता है जी डन। V-Strom SX250 लेने की प्लानिंग कर रहे हो, इस वीडियो से थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई हो ना, इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही हो, तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं वीडियो शेयर भी ज़रूर से आप लोग कर सकते हो। मिलते हैं कल रात 9 बजे अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।